वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव फार्मासिस्ट। तो आज मैं मेरे बेबी के छोटे छोटे जो खिलौने हैं टूटे फूटे से उनसे कुछ बनाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में 3 DIY है, तो वीडियो पूरा देखना और पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप वो वीडियो जल्दी से जल्दी देख सको। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले DIY में मैं टीथर्स के जो कवर है उनका यूज कर रही हूँ। टीथर्स तो रियाज ने खो दिए लेकिन कुछ कवर्स बाकी थे उसी का यूज मैं इसमें करना चाहती थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने फेविकॉल और पानी लगा के टीथर्स का जो कवर है उसके ऊपर लगा लिया है और अब मैं ये टिश्यू पेपर से कवर कर रही हूँ। तो टिश्यू पेपर उसके ऊपर चिपकाने के बाद मैं ड्राई ब्रश से उसे अच्छे से कवर कर रही हूँ और बाद में मैं इसके ऊपर फेस का शेप भी दे दिया था जो कि मैंने मोल्डेड क्ले से दिया है। लेकिन यहाँ पे जो क्लिक है वो मैं ऐड करना भूल गई, मतलब वो मुझसे डिलीट हो गई इसलिए। तो मैं इस तरह से नोज और एक लाइन उसके ऊपर मैंने दे दी है। तो उसको अब मैं कलर कर रही हूँ रेड कलर से। तो हम डायरेक्टली पेस्टिक के ऊपर एक्रेलिक कलर या कोई भी कलर कर नहीं सकते हैं क्योंकि जो प्लास्टिक है ना वो कलर छोड़ देता है और फिर वो जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए टिश्यू पेपर पहले लगाने के बाद उसके ऊपर ही मैंने कलर किया है। तो यहाँ पे एक एक कलर में यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप इन मार्क्सेस को कलर कर रही हूँ। तो ये जो आइडिया है वो मैंने पिंटरेस्ट से लिया है, वहाँ पे ट्रायंगल शेप्स वगैरह यूज़ किए थे लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास ये बेबी के खिलौने के टुकड़े हैं इनका ही मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं इसके ऊपर फेस ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये ट्राइबल मार्क्सेस है, ये बहुत ट्रेंड में है और बहुत सुंदर दिखते हैं पूरे बनाने के बाद। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर कुछ डिटेलिंग्स दे रही हूँ, आप देख सकते हो मैंने ज़्यादातर रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन ही यूज़ किया है और पिंटरेस्ट पे भी रेड एंड येलो का ही कॉम्बिनेशन ज़्यादातर था। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से मैं इसे प्रॉपर डिटेलिंग दे रही हूँ। वैसे ये तो जो कवर है वो तो फेंकने में ही जाते थे लेकिन मैंने सोचा कि कुछ करते हैं तो मुझे ये आइडिया आ गया। मैं वैसे भी ढूंढ ही रही थी पिंटरेस्ट पे लेकिन मुझे फिर अच्छे से ये आइडिया मिली तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यही बना लूँ। तो मुझे एक बात बोलनी थी आपसे कि आप मेरे वीडियोस देखते नहीं हो, क्यों ऐसे करते हो यार, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ लेकिन आप मेरे वीडियोस देखते ही नहीं। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल दबाइए, सब्सक्राइबर बटन दबाइए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आए और जल्दी से जल्दी आप मेरा वीडियो देख सको। तो यहाँ पे एक एक करके पूरे मार्क्स को मैं डिटेलिंग दे रही हूँ, आप देख सकते हो ये इतना सुंदर बना था बाद में कि सब पूछ रहे थे कि सच में ये रियर्थ के खिलौनों का है। वैसे भी तो इधर उधर फेंकने में भी जाते थे लेकिन बहुत अच्छा यूज़ आपने किया है। और आप भी अगर अपने बेबी के ऐसे खिलौने यूज़ करोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। और वैसे भी इनके खिलौने एक तो महंगे भी होते हैं और अपने बेबी के जो इतने सारे यादें हैं वो भी DIY के साथ हम सेव कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत दिन तक हमारे साथ रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड की शीट ले ली है और उसके ऊपर मैंने फेविकॉल लगा के उसके ऊपर ये रियाद के ही स्वेटर का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे चिपका लिया है और जो ये ऊपर लगाने के जो बॉर्डर है उसे मैं मास्किंग टेप से कवर कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए और इससे फिनिशिंग आ जाए क्योंकि इसके जो एजेस है वो ओपन रहेंगे तो फिर प्रॉपर फिनिशिंग इनसे नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने इस तरह से सब चार ही जो कॉर्नर्स है उनको मास्किंग टेप से कवर कर लिया है और उसके बाद मैं इन्हें ब्राउन कलर से कलर करने वाली हूँ। मतलब बेसिकली मुझे इसको जो
ब्राउन कलर, मतलब जो लकड़ी का कलर है वैसा देना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ किया है। वैसे मैंने यहाँ पे पोस्टर कलर यूज़ किया है, क्योंकि ये कार्डबोर्ड है तो पोस्टर कलर चल जाता है। वैसे भी वार्निश अप्लाई करने के बाद इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने फेविकॉल से अब ये दोनों साइड्स मैंने कवर कर ली है, और फिर बाद में मैं जो दूसरे दो साइड्स है वो भी फेविकॉल से चिपका रही लिया है। और यहाँ पे मैं अब डोरी लगा रही हूँ, तो ये डोरी बस शो के लिए है, मतलब थोड़ी ट्रैवल थिंग दिखे, इसलिए मैंने इस डोरी को यहाँ पे बांध दिया है। ये बहुत सुंदर दिखती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने चारों बाजू में डोरी लगा ली। अब मैं ये मार्क्सेस यहाँ पे फेविकॉल के हेल्प से सेम डिस्टेंस में चिपका रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसका फाइनल लुक कैसा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा DIY पसंद आया है। अब सेकंड DIY में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रही हूँ। तो ये जो कॉर्नर में दिख रहा है वैसा खिलौना रियाज के पास था, तो वो टूट गया, तो उसी का यूज़ मैं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जो मोल्डेड क्ले है उससे मैं इसे पहले चिपका रही हूँ, और बाद में इसके ऊपर भी एक थोड़ी सी डिज़ाइन में यहाँ पे दे रही हूँ। तो इस तरह से ये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक होल था, उसके अंदर में टिश्यू पेपर भर के उसे प्रॉपर प्लेन कर रही हूँ, और उसके ऊपर मैं मोल्डेड क्ले चिपकाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने फेविकॉल के हेल्प से पहले टिश्यू पेपर को इसमें कवर कर दिया, और फिर यहाँ पे पाउडर से मैंने पतली स्ट्रिप मोल्डेड क्ले की बनाई, और उसके ऊपर मैं हाथों से ही इस तरह इस पर चिपका रही हूँ। मैंने दोनों कॉर्नर से इसको कट भी कर लिया है, और यहाँ पे अच्छे से चिपकाने के बाद ये जगह पूरी प्लेन हो गई। तो आप देख सकते हो कि आधे से ज़्यादा काम तो हमारा हो गया है। और अब यहाँ पे मैं ये इंस्ट्रूमेंट के एक एक स्टेप्स में कवर कर रही हूँ। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, लेकिन गिटार का ही दूसरा वर्जन है ये। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे थोड़ा लुक का लाइक दिखने के लिए मैं यहाँ पे तार का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट में भी गिटार जैसे तार होते हैं, और इसको मैं मोल्डेड क्ले से प्रॉपर डिटेलिंग्स दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए मैं उसे डेकोरेट भी कर रही हूँ। तो ये मोल्डेड क्ले का ही मैंने एक ऐसा अच्छा शेप यहाँ पे चिपका लिया है, और ये सब ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर जेसो अप्लाई कर रही हूँ। तो जेसो का मैंने एक ही कोट दिया है, और उसके ऊपर मैं अब ब्राउन कलर यानी जो लकड़ी का कलर है एक्रेलिक कलर, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसके ऊपर पेंट से ही थोड़ी डिटेलिंग दे रही हूँ। तो मैं एक कलर एक ही बार यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने रेड कलर से पहले जो डिटेलिंग देनी थी वो दे दी, और फिर अब मैं ब्लैक कलर से ये डिटेलिंग दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि तार लगाने के पहले ही मुझे ये कलर करना चाहिए था, लेकिन क्या होता फिर तार लगाने में प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैंने फिर पहले ही तार लगाया। तो यहाँ पर मैं एक एक करके इनको डिटेलिंग दे रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं पहले ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स यहाँ पे लाइंस दे रही हूँ, और फिर बाद में बीच बीच में मैं येलो कलर दे रही हूँ। तो इसका जो कलर है ये ट्रेडिशन गिटार है, तो इसका जो कलर है वो इसी तरह से ब्राइट रहते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे इसको अच्छे से कलर कर रही हूँ, और ये जो तार है इनको मैं वाइट कलर दे रही हूँ। सिल्वर कलर था मेरे पास लेकिन वो ड्राई हो गया था इसलिए। तो यहाँ पे मैं अब वार्निश अप्लाई कर रही हूँ, और अब हमारी ट्रेडिशनल गिटार रेडी है। आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक ये कितनी सुंदर दिख रही है। आपको ये DIY कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे ये रियार्थ का बैंड है जो रियार्थ ने तोड़ दिया था, तो मैं इसका यूज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसके पुर्जे पुर्जे निकले हुए हैं उसका मैं और तोड़ के सेपरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो कवर था उसको भी मैंने सेपरेट कर लिया है। फिर मैंने उस राउंड के शेप का कार्डबोर्ड कट करके उसके ऊपर पूरा फेविकॉल और पानी का मिक्सचर लगा लिया है, और उसके ऊपर मैं टिश्यू पेपर की एक लेयर अप्लाई कर रही हूँ,
और दूसरे बाजू से भी मैं एक ही टिश्यू की लेयर अप्लाई कर रही हूँ और बाद में इसे इस तरह से पूरे राउंड में चिपका रही हूँ और ड्राई ब्रश से इसे प्लेन करते जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं इस तरह से इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। फिर मैं इसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से उस राउंड को चिपकाने वाली हूँ जो मैंने इससे सेपरेट कर लिया था। आप देख सकते हो मैं ये किस तरह से कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर कार्डबोर्ड चिपका रही हूँ। इस तरह से कार्डबोर्ड चिपकाने के बाद मैंने जो दूसरी बाजू थी उसके अंदर भी इस तरह से कार्डबोर्ड चिपका लिया है। अब ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पे डोरी चिपका रही हूँ। वैसे तो फेविकॉल के हेल्प से भी अपन चिपका सकते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग थी और ये ऐसे से फेविकॉल से चिपक नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने ग्लू गन का हेल्प लिया और फिर बाद में पूरे जो लीड है उसके ऊपर मैंने फेविकॉल से ही इस डोरी को चिपका लिया था। तो इसे राउंड राउंड करके मैंने पूरी डोरी इस लीड के ऊपर चिपका ली है, आप देख सकते हो। वैसे ये इजी बहुत दिखता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसीलिए प्लीज़ मेरी मेहनत देख के तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए यार और वीडियो देखते जाइए प्लीज़। तो इसके पीछे के जो भाग है उसके ऊपर भी मैं इसी तरह से पहले ग्लू गन से और फिर बाद में मैं फेविकॉल की हेल्प से इसे अच्छे से कवर कर रही हूँ। लेकिन जो प्लास्टिक वाला जो साइड था ना, तो उसके ऊपर फेविकॉल अच्छे से चिपक नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ग्लू गन की हेल्प ली है और ग्लू गन से इसे अच्छे तरह से मैंने कवर कर लिया है। अब देख सकते हो ये कितना धीरे धीरे करना पड़ता है, क्योंकि अगर डोरियों के बीच में गैप रह गई ना तो फिर अच्छा लुक नहीं आएगा। और ये बोहो बास्केट इतनी सुंदर दिख रही थी पूरी बनने के बाद, वो तो आप जल्दी देखोगे ही। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। वैसे देखिए यहाँ पे मैंने पूरा जो बॉक्स है उसको कवर कर लिया है। वो वैसे तो ये ऐसे भी अच्छा दिख रहा था, लेकिन कुछ डिटेलिंग्स मुझे देनी थी इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ कर लिए और अब उसके ऊपर मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर ही यूज़ किया है। तो मैं कई बार पोस्टल कलर भी यूज़ कर देती हूँ, लेकिन क्या है ना, कार्डबोर्ड के ऊपर या अगर कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जो पेपर वगैरह उस पर हम जो पोस्टर कलर है वो यूज़ कर सकती है, लेकिन डोरी के ऊपर वगैरह नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि वो फैल जाता है। तो यहाँ पे मैं बीच में एक फ्लावर की डिज़ाइन निकाली है और यहाँ पे मैं बॉर्डर पे येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव दिखे, यही मेरा मोटिव था। और इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर से आउटलाइन भी दे रही हूँ, ताकि मतलब मैंने ब्लैक कलर जो ट्रायंगल्स में यूज़ किए हैं वो भी जो फ्लावर्स में भी थोड़ा सा ब्लैक कलर आ जाए इसीलिए। तो ये जो मैंने कलर अप्लाई किया है वो नियॉन कलर है। तो देखिए इस तरह से लीड भी रेडी हो गई, लेकिन जो बीच में का साइड था उसे भी तो कलर करना था अच्छे से, तो इसके लिए मैंने ट्रायंगल्स कार्डबोर्ड का कट करके उसको मार्क करके फिर बाद में मैं एक ऑरेंज और एक येलो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सभी ट्रायंगल्स को कलर कर लिए और इस तरह से हमारा जो बॉक्स है वो रेडी है। लेकिन थोड़ी तो फिनिशिंग और बाकी है, तो इसलिए इसके अंदर मैंने इस तरह से गिफ्ट रैपिंग पेपर चिपका लिया, तो अंदर का भी लुक थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगा। मतलब अगर कभी किसी ने ओपन भी किया तो अंदर से भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और लीड के ऊपर भी मैंने सेम पैकिंग लगा ली और यहाँ पे हमारा बॉक्स रेडी है। लेकिन थोड़ी सा और एक ट्विस्ट, मतलब हम यहाँ पे मिरर्स भी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले बड़ा मिरर्स लगा लिया और फिर मैंने पूरे जो बॉक्स पे है ये अच्छे से मिरर्स लगा लिए। तो आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक ये कैसा दिख रहा है। ये हम ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए भी ये बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए सच में थैंक यू, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। आज के DIYs आपको कैसे लगे वो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना। और मस्त रहना, स्वस्थ रहना और
अच्छे अच्छे DIYs बनाकर घर को सजाते रहना। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही क्रिएटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।